आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में रेत क्यों डाला जाता है? दरअसल ट्रेन की पटरी जब गीली होती है या ट्रेन को किसी ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ना होता है तो पहिए स्लिप होने लगते हैं, जिससे निपटने के लिए ट्रेन के इस सैंड बॉक्स में सूखी रेत डाली जाती है। फिर जैसे ही व्हील स्लिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली या मैनुअली ड्राइवर इस रेत को ट्रेन की पटरी पर रिलीज कर देता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और पहिए स्लिप होना बंद हो जाते हैं। और तो और इमरजेंसी ब्रेक मारने पर ट्रेन को जल्दी से रोकने और डैमेज हुई ट्रेन की पटरी से निकलने के लिए इस रेत का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं मुंबई की मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे ऐसे पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? ये पत्थर समुद्र के किनारे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। क्या ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पड़े हुए हैं या फिर इन्हें कहीं से लाया गया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में मुंबई में सड़क निर्माण के चलते कुछ जगह से ये पत्थर हटाए गए। ऐसे में समुद्र की तेज लहरों के सीधे टकराने की वजह से कुछ बिल्डिंगों में कंपन देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की मरीन ड्राइव पर ऐसे 6000 से भी ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, जिनको टेट्रापोड कहा जाता है। इनके 4 पैर होते हैं। ये सभी पत्थर आपस में लोक हो जाते हैं और समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी लहरों को भी रोक देते हैं। ये पत्थर सीमेंट से बने हुए हैं, जिनको 1950 में यहाँ लाया गया था, और ये पत्थर भारत से नहीं बल्कि फ्रांस से यहाँ लाए गए थे। आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी झील है जो गुलाबी रंग की दिखाई देती है? और तो और दुनिया में ऐसी भी झील है जो लाल और हरे रंग की दिखाई देती है, और इन झील के पास किसी भी इंसान का जाना नामुमकिन है। आखिर इन झीलों का पानी नीला क्यों नहीं है और इनका पानी कितना खतरनाक है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक ऐसी झील है जो पूरी की पूरी हरे रंग की दिखाई देती है। इस झील को डेविल्स बाथ के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर काफी मात्रा में सल्फर तैरता रहता है। इसी कारण इस झील में काफी तेज बदबू भी आती है और कोई भी इंसान इसके पास नहीं जाता है। हरे रंग के अलावा गुलाबी रंग की झील भी कई देशों में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसी 3 झील मौजूद है, लेकिन ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और इनमें से किस शहर में सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कोलकाता शहर की बात करें तो यहाँ 800 से भी ज्यादा ऊंची इमारतें हैं और कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग द 42 है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 268 मीटर है। और तो और कोलकाता में 13 ऐसी बिल्डिंग है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। अब बात करें मुंबई की तो ये भारत का सबसे ज्यादा ऊंची इमारतों वाला शहर है, जहां 3000 से भी ज्यादा ऊंची इमारतें हैं। यहां 200 ऐसी बिल्डिंग है जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से ज्यादा है और भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड वन भी यही है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो यहां ऊंची इमारतों की संख्या काफी है, लेकिन पूरे दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ 5200 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें मौजूद है।